हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं एक फेशियल वीडियो लेकर आई हूँ। ये कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब कुछ मैं अपने आप करने वाली हूँ, अपने पैसों का बाय करा हुआ है। आज मैं फेशियल करूँगी VLCC का ये पर्ल फेशियल किट, इसको यूज़ करके। यस, ऑल्सो अगर मेरा अपर लिप्स थोड़ा सा रेड हो रहा है तो वो मैंने अभी थ्रेडिंग करी है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, सो इग्नोर दैट। तो यस, मैं कोशिश करूँगी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मेरी जो स्किन केयर वाली वीडियो होती है एंड जो मेरे फेशियल वीडियोज़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। मैं कोशिश करूंगी छोटा करने की। सो यस, इफ यू वांट टू सी कि ये प्रोडक्ट कैसा है, मैं इसको पूरा यूज करने वाली हूँ आपके सामने। ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए कि नहीं, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने का आता है, एवरीथिंग। देन लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रोडक्ट्स डिटेल्स, एवरीथिंग। तो ये 257 रुपीज का मिलता है, ऑल अराउंड 260 रुपीज। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 11/20 to 11/23 तक, तो आप 3 साल तक इसको आराम से यूज कर सकते हो। इसमें आपको मिलते हैं 6 स्टेप्स। तो ये पूरा ट्यूब के फॉर्म में आता है, मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ एक और जो कि ट्यूब के फॉर्म में है। 6 स्टेप्स हैं इसमें, तो हम वो सारे स्टेप्स यूज करेंगे। छोटे छोटे से ट्यूब्स हैं, तो काफ़ी हाइजीनिक रहता है ट्यूब्स वाला। क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, परफेक्ट। एंड उसके अलावा क्या, नथिंग एल्स कुछ ऐसा है। पर्ल फेशियल किट फॉर एवरी स्किन टोन, फॉर ल्यूमिनस स्किन एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन। नो, नॉट एट ऑल, फेयर कॉम्प्लेक्शन को बिल्कुल कंसिडर मत करिएगा, बट फॉर ल्यूमिनस स्किन हम चेकआउट करेंगे कि कैसा है। तो येस, गेट द पार्लर लाइक ग्लो। चलो फिर चेकआउट करते हैं। एंड उसके अलावा इसमें और कुछ भी मैंशन नहीं है। बाकी है ये कॉम्फ्रे क्लेंजर कम टोनर पर्ल फेशियल, एंड इसको हम डीपली क्लेंज करने के लिए यूज़ करेंगे अपनी स्किन को, और ये पोर्स को मिनिमाइज करता है, मेक्स योर स्किन रेडी फॉर फेशियल। तो ये चेक ट्राई आउट करते हैं, लाइक सो। स्टेप वन, इट लुक्स लाइक सो। बहुत ही लिक्विडी है, क्लेंजर की तरह ही होगा। ओके, तो इसमें चंदन तो इसमें जो फ्रेग्रेंस आ रही है, चंदन की नहीं, इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है जो रोजेस थोड़े से सूख जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फ्रेग्रेंस आ रही है। या थोड़ा सा गेंदे वाले फूल होते हैं ना, वो सूख जाते हैं, या वो वाइट वाले फूल फ्लावर्स होते हैं, वो सारे जो जब ड्राई हो जाते हैं तो फूल की जैसी फ्रेग्रेंस आती है ना, बिल्कुल वैसी आ रही है। ये कुछ भी फोम अप नहीं कर रहा है, मैंने अच्छे से अमाउंट लिया है, तो ये फोम अप नहीं करेगा। ये एक नॉर्मल सा क्लेंजर है जो कि टोनर की तरह वर्क करेगा। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। बाकी मैं इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ और मसाज कर लेती हूँ, फिर मैं इसे वॉश करके मिलती हूँ। वेट आगे भी होगा वीडियो में, क्योंकि हम पानी के साथ खेल रहे हैं, तो प्लीज इसको माइंड मत करो, इसको इग्नोर करो। ओके, नाउ माय स्किन इज वेरी सॉफ्ट, लाइक बहुत सॉफ्ट हो रही है, एक्सट्रीम सॉफ्ट नहीं बट सॉफ्ट हो गई है, और मेरी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज लग रही है, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल क्लेंजर या हम फेस वॉश यूज करते हैं, तो हमारी स्किन एकदम ऐसे हो जाते हैं कि सारा जो नरिशमेंट है वो सब स्किन का फेस वॉश उड़ा कर ले गया, एंड बहुत हमारा स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी स्किन अभी भी हाइड्रेटिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा नरिश्ड फील कर रही है। दैट इज़ अ वन गुड थिंग जो मैंने इस पहले बार इस VLCC के फेस वॉश में देखी, क्योंकि VLCC का फेस वॉश मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वरना उससे तो स्किन ऐसे हो जाती है सारा वाटर लेकर ही चलेगी अपनी स्किन का। तो यस, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, वाइट कंसिस्टेंसी में है लाइक, और बहुत ही ज़्यादा माइक्रो बीड्स हैं इसमें, इसके जो स्क्रब में बहुत ज़्यादा माइक्रो बीड्स हैं, तो फेस पे शायद हार्श फील ना हो। यस, वेरी 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 माइक्रो बीड्स, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एंड अगेन फ्रेग्रेंस वैसी है जैसे मैंने आपको बताया था, रोज एंड फ्लावर पेटल्स की हो जाती है ना सूखने के बाद, तो वैसी है, बहुत ज़्यादा माइक्रो बीड्स हैं एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे ज़्यादा हार्श नहीं फील हो रहा है फिर। तो दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स स्क्रब के बाद, सॉफ्ट हो गई है डेफिनेटली एंड क्लीन हो गई है, क्योंकि स्क्रब के बाद तो स्किन क्लीन ही हो जाती है। स्टेप हम चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा पर्ल जेल। पर्ल जेल कहता है ये एनरिच्ड है एलोवेरा से, और ये ब्रेक डाउन करता है डेड सेल को, रिजनरेट करता है, और स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये इन्होंने कुछ भी मैंशन नहीं करा है कि हमको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बट इस्तेमाल करना है इसको कैसे यूज़ करना है। तो पर्ल जेल आई गेस इसको स्किन में अब्जॉर्ब करते हैं पूरा, तो मैं वही करने वाली हूँ, ज़्यादा मुझे पता है जेल्स को स्किन में अब्जॉर्ब करते हैं, तो बस वही करूँगी। ओके, तो ये प्रॉपर जेल, जेली के फॉर्म में है,
एंड प्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी, थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी ले लेती हूँ मैं। बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है। वाह, इसकी प्रेगनेंसी लाइक स्ट्रॉन्ग मेंस का परफ्यूम जो होता है बिल्कुल वैसे। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंस का परफ्यूम होता है, बिल्कुल वैसी ही फ्रेगनेंस है। तो मैं इसे स्किन में अब्जॉर्ब कर लेती हूँ जल्दी जल्दी मसाज करके। पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है एंड जो भी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बचा है ना मेरे हाथ पे, तो मैं उसे अपने एल्बोज पे अप्लाई कर लेती हूँ एंड हैंड्स के बैक पे। नेक्स्ट थिंग जो कि है पर्ल का क्रीम इनका, एंड इनका पर्ल का क्रीम इज एनरिच्ड विद पर्ल ऑक्साइड एंड विटामिन ई, इट रीजनरेट्स डल टायर्ड एंड स्लगिश स्किन। तो बहुत ही मुरझाई भी और उदास भरी जिंदगी, नहीं वो तो है ही, आई मीन टू बी उदास भरी और मुरझाई भी जो स्किन है वो उसको रिजनरेट करता है इनका ये पर्ल क्रीम। तो मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और जितना ब्लेंड हो सकेगा ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं इसको एक मॉइस्ट कॉटन से कहते हैं वैसे क्लीन कर लूँगी। तो ये स्किन में बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुकी है, मेरे पास यहाँ मॉइस्ट कॉटन वॉटन कुछ भी नहीं है, बट एक वाइट क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ है, तो मैं इससे पोंछ लेती हूँ जो भी एक्सेसिव है। इनका पर्ल फेस पैक, और पर्ल फेस पैक जो है इनका वो है एनरिच्ड विद पर्ल ऑक्साइड एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। टर्मरिक है इसमें तो मिर्ची लगेगी। इट इवन आउट द कॉम्प्लेक्शन एंड मेक स्किन लुक्स नो फेयरर एंड नो ग्लॉसियर। आई एम लाइक डन विद फेयर। ठीक है, अच्छा इनका जो ये फेशियल पैक है इसमें येलो कलर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, येलो कलर की, एंड इसमें टर्मरिक है इसलिए और येलो कलर की है, तो कुछ ऐसा लगता है फेशियल पैक। मैंने फेस वॉश कर लिया, दिस इज हाउ माय स्किन लुक्स। अभी चलो देखेंगे बाद में कैसा लगता है। तो अब मैं लास्ट स्टेप यूज करूंगी इनका, जो लास्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर स्किन SPF 15 है इसमें, PA प्लस है, प्रोटेक्ट द हार्मफुल UVA एंड UVB। तो अगर मॉइस्चराइजर बच जाता है तो ये जाएगा मेरे बैग में। ठीक है, तो सही, ये येलो सा दिखता है, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है कुछ ऐसा मॉइस्चराइजर। तो इन्होंने इसमें मेंशन नहीं करा इस मॉइस्चराइजर में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। आई एम थिंकिंग इसमें टर्मरिक है तभी इसका कलर येलो है, या हो सकता है कुछ और हो। बहुत ही फ्लोरल सी फ्रेगनेंस है इसकी, हाँ बहुत ज़्यादा फ्लोरल सी फ्रेगनेंस है। आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक जेल वाला फेस पैक नहीं होता, वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बिल्कुल वैसा ही है, चिपकता रहेगा और ये ऐसे टैकी सा, स्टिकी सा है बहुत। तो इसी के साथ हमारा लास्ट स्टेप भी ओवर होता है। तो इसी के साथ हमारा ये VLCC का पर्ल फेशियल एंड होता है, एंड मैंने सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे इस्तेमाल कर लिए। आप लोग बताइए आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं मेरे फेस में, कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो मुझे मॉइस्चराइजर बिल्कुल पसंद नहीं आया, बाकी सारी चीज़ें इज ऑल ओके। मॉइस्चराइजर मुझे उतना पसंद नहीं आया बिकॉज मॉइस्चराइजर जो था इनका लास्ट वाला वो काफ़ी टैकी हो रहा है स्किन में, अभी भी मेरी स्किन चिपक सी रही है। बाकी की इनकी सारी चीज़ें अच्छी थी, एक क्लेंजर भी कोई खास नहीं लगा मुझे। बाकी के जो चार स्टेप्स हैं बीच वाले 2 से लेकर 5 तक, हाँ बाकी वो सारे अच्छे हैं, बस फर्स्ट और लास्ट वाला मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। स्किन में मैं क्या डिफरेंस देख रही हूँ
लाइक ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, बट एक डिसेंट सा काम करा है इसने, लाइक डिसेंट सा काम करा है। मैंने फेशियल एक महीने बाद करा है तो इसमें काफ़ी असर दिखना चाहिए। आप लोग बताओ, आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? मेरे हिसाब से ये VLCC का पर्ल फेशियल किट एक नॉर्मल सा डिसेंट सा पर्ल फेशियल किट है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप मिस कर रहे हो अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो। 257 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, सही डिसेंट प्राइस पे है। इतने प्राइस के और फेशियल किट्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो ये एज सच ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम ब्लोन आउट हो जाओगे इसके रिजल्ट से। आप रिजल्ट्स देख सकते हो सामने, तो आपके चॉइस के ऊपर अगर आप इसे बाय करके ट्राई आउट करना चाहते हो आप कर सकते हो। मुझे कोई खास एकदम ब्लोन आउट वाला डिफरेंस नहीं दिखा। हाँ, डेफिनेटली मैंने इतने सारे स्टेप्स यूज़ करे हैं तो कुछ तो डिफरेंस दिखेगा ही, जो कि दिख रहा है, बट एकदम ही जो डिफरेंस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो वैसा कुछ नहीं दिखने मिला मुझे। तो यस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करती हूँ। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, आई लव यू गाइज अ लॉट। बाय बाय।